हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस हेल्पर क्लास क्या है और उसमें हमें कौन कौन सी फंक्शनलिटी कोड अप करनी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए आप समझते हैं कि डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर हमें उसे सिंगलटन कैसे बनाना है, वेरिएबल्स क्या क्या बनाने हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है और सारे CRUD ऑपरेशंस के जो फंक्शन है वो कैसे क्रिएट करने हैं। लेकिन उससे पहले अपन चलते हैं पावर पॉइंट में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसे वहां एकदम सिंपल और इजी वे में पहले चेकआउट कर लेते हैं, फिर यहाँ आके सिंपली मैं आपको ये सारा चीजें लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं पावर पॉइंट में और इसको चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्लास क्रिएट करनी है और आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो हम क्लास का नेम देने वाले हैं वो है डेटाबेस हेल्पर क्लास, और इस क्लास को आपको एक सिंगलटन क्लास बनाना होगा। अब सिंगलटन क्लास हम क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं इसको पहले चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका डेटाबेस था। ओके, अब ये डेटाबेस अलग अलग स्क्रीन में आप यूज कर रहे थे। मान लीजिए आपकी स्क्रीन 1 थी, यही डेटाबेस सेम आप यूज कर रहे थे स्क्रीन 2 में, और यही डेटाबेस आप यूज कर रहे थे स्क्रीन 3 में। अब इस क्लास को सिंगलटन हम क्यों बना रहे हैं? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 4 टू डूज थे और आप इसी डेटाबेस को यहाँ यहाँ और इस स्क्रीन में कॉल अप करा रहे थे। तो मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आपको 4 टू डूज दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको 1 भी नहीं दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि आपने इस डेटाबेस की कॉपी हर स्क्रीन में अलग अलग बनाई है। आपने इसको एक इंस्टेंस नहीं बनाया जो कि सिंगलटन हो। सिंगलटन इंस्टेंस बनाने का मतलब क्या होता है? जो भी आपका डेटाबेस का करंट स्टेट है उसकी कॉपी ही हर जगह आपको अवेलेबल होगी, कोई भी अलग अलग कॉपी नहीं भेजोगे आप। तो यह होता है सिंगलटन क्लास बनाने का मतलब। और इसको अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म से बात करें तो डेटा इनकंसिस्टेंसी से बचने के लिए हम बनाते हैं सिंगलटन क्लास को। ओके, तो अब सिंगलटन क्लास कैसे बनाते हैं? देखिए, जो भी आपने अपनी क्लास दी होगी सबसे पहले आपको वो लिखना है, फिर डॉट लगाने के बाद आप लिखोगे अंडरस्कोर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर से थोड़ा सा अलग है। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओगे इंस्टेंस नाम का और यहाँ पे आप लिखोगे अपनी क्लास का नाम डेटाबेस हेल्पर, और उसको आपको असाइन कर देना है सिंपली जो आपने यहाँ पे ऊपर कोड किया है, डेटाबेस हेल्पर डॉट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद आपको अपने डेटाबेस के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो आप करोगे इस इंस्टेंस से। आप सिंपली इस इंस्टेंस को कॉल अप करोगे, फिर उसके बाद डॉट डेटाबेस जो हमारा वेरिएबल होगा उसको कॉल करोगे, और उसके बाद आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इस डेटाबेस पे परफॉर्म हो जाएगा सीमलेसली, और वो एटॉमिक ऑपरेशन भी होगा हमारा। और आप इन सब टर्म पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, कंसिस्टेंसी एटॉमिसिटी आप ये समझ लीजिए, बस हमें सिंगलटन क्लास बनानी थी। बहुत ही सिंपल टर्म से बात करें तो आप सिंगलटन क्लास इसलिए बना रहे हो ताकि जो हमारा डेटाबेस है उसकी करंट स्टेट की कॉपी हर जगह सेम होनी चाहिए, बस इतना से समझ लीजिए। ओके, अब चलते हैं स्लाइड 2 में और देखते हैं हमें कौन कौन से वेरिएबल्स कोड अप करने हैं। तो चलते हैं स्लाइड 2 में। तो देखिए, आपको जो वेरिएबल बनाना है सबसे पहले तो आपको अपना डेटाबेस वेरिएबल बनाना है, और ये किस टाइप का होता है? ये होता है डेटाबेस। और ये हमें कहां से प्रोवाइड होता है? ये वाली क्लास ये हमें प्रोवाइड होती है जो हमने प्लगइन डाउनलोड किया, एसक्यूएल फ्लाइट प्लगइन। ओके, तो ये रहा आपका डेटाबेस। देन उसके बाद अगर आपका डेटाबेस होगा तो उस डेटाबेस का कोई आपका नेम होगा, और उसके बाद आपके डेटाबेस का कुछ वर्जन भी होगा। अब आपने डेटाबेस तो बना लिया, अब इस डेटाबेस के अंदर आपकी बहुत सारी टेबल्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? एक टेबल नेम बनाना होगा। अब टेबल के अंदर आपके कुछ कॉलम्स होते हैं तो वो कॉलम नेम भी एज ए वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। तो ये रही आपकी टेबल नेम जो आप कुछ भी दे सकते हो, और कॉलम नेम यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे, पहला तो आईडी के लिए, दूसरा अपने टाइटल के लिए और तीसरा अपना डिस्क्रिप्शन के लिए। जो यहाँ पे हमारी आईडी होगी वो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और ये दोनों होंगी इनको हम एज ए वैल्यू पास ऑन करेंगे जब भी हमारे एड टू डू या अपडेट टू डू वाली स्क्रीन हमारे सामने आएगी। ओके, तो अब चलते हैं स्लाइड 3 में और देखते हैं हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलते हैं स्लाइड 3 में। तो अगर आपको डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो सिंपली आप इस वेरिएबल को कॉल आउट करोगे जो हमने सेकंड स्लाइड में क्रिएट किया था। अब आप मेरे को एक बात बताइए, देखिए जब आपका एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा तो आपका जो ये डेटाबेस वेरिएबल है इसमें कुछ भी वैल्यू असाइंड होगी कि ये नल होगा? तो सबसे पहले ये नल होगा, तो हम एक फंक्शन कोड करेंगे गेट डेटाबेस नाम का, जिसके अंदर हम अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है तो सबसे पहले हमारा पूरा डेटाबेस क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो और फिर हमें डेटाबेस रिटर्न करो। अगर हमारा डेटाबेस क्रिएट है तो हमें ये वाला सारा काम कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो हमारा डेटाबेस क्रिएटेड है उसको ही आप यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो आपको क्या करना है? ये फंक्शन कोड करना है गेट डेटाबेस, इसके अंदर आप अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। इफ डेटाबेस इज नॉट इक्वल टू नल तो सिंपली ये वेरिएबल आप अंदर से रिटर्न कर दीजिए, लेकिन अगर ये डेटाबेस नल है तो आपको इस साइड जाना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करनी है और देन उसके बाद यहां से उसे वापस रिटर्न कर देना। अब डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं? ओके, देखिए सबसे पहले आपको मेक डेटाबेस फंक्शन हम बनाएंगे, इसको हम कॉल करेंगे अगर हमारा डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, मान लीजिए आपको किसी लोकेशन पे जाना है, चलिए ये समझ लेते हैं आपको किसी फ्रेंड के घर पे जाना है, तो आपको सबसे पहले उस फ्रेंड के घर का रास्ता पता होना चाहिए और उसकी कॉलोनी पता होनी चाहिए। देन जब आप इस कॉलोनी में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपके फ्रेंड का कोई घर होगा, क्योंकि यहाँ कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं,
और इस घर के अंदर आपको रीच करना। तो सेम काम होता है हमारा इस डेटाबेस के साथ। तो देखिए, जब आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो जो भी आपका डिवाइस होगा इसमें आपको एक डायरेक्टरी लेके आनी पड़ेगी, मतलब एक रास्ता लेके आना होगा जिसमें आप डेटाबेस अपना ओपन करोगे। उसके बाद आपको पाथ में क्या करना है, देखिए जो भी आप डायरेक्टरी मतलब जो भी आप रास्ता लेके आए हो अपने फोन के अंदर जहां पे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, सबसे पहले वो पास करना है। प्लस अब आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो उसका कोई नेम होगा, तो यहाँ पे उसको नेम पास करना है और इन दोनों को आपको ज्वाइन करके इस पाथ वेरिएबल के अंदर असाइन कर देना। देन उसके बाद ये ओपन डेटाबेस फंक्शन क्या करता है, ये जाके हमारा डेटाबेस यहाँ पे ओपन करता है हमारे डिवाइस के अंदर, और इसके अंदर सिंपली आपको ये पाथ पास ऑन करना होता है और एक इसके अंदर वर्जन होता है और लास्ट में इसमें एक फंक्शन पास होता है क्रिएट डेटाबेस। ओके, ये ओपन डेटाबेस तो हमारा डेटाबेस ओपन करता है और क्रिएट डेटाबेस हमारे इसके अंदर टेबल ओपन करता है। उसके बाद जो हमारा क्रिएट डेटाबेस फंक्शन होता है सिंपली इसमें हम पास करते हैं अपना डीबी और इसका वर्जन। उसके बाद इसके अंदर आपको कमांड लिखनी होती है, आप कमांड लिखोगे डीबी डॉट एग्जीक्यूट और उसके अंदर क्रिएट टेबल और अपने जो भी कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हो उसमें पास ऑन कर दोगे तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी इशू आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन जब वीएस कोड पे आएंगे तो लाइन बाय लाइन चेकआउट करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब हमारा यहाँ पे सब कुछ क्रिएट हो जाता है डेटाबेस और टेबल, तो हम इस फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं, जिसने भी कॉल किया होता है उसे डेटाबेस मिल जाता है। ओके, तो ये था हमारा पूरा डेटाबेस क्रिएट करने का प्रोसीजर। अब चलते हैं स्लाइड 4 में और देखते हैं हम डेटाबेस के साथ अपने क्रड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलते हैं स्लाइड 4 में। अब क्रड ऑपरेशन समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि हमारा डेटाबेस स्टोर कैसे करता है जो भी डेटा हम उसमें पास ऑन करते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा एसक्यूएल क्लाइंट प्लगइन है वो एज ए मैप हमारा डेटा स्टोर करता है। अब मैप के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कॉलम नेम और देन उसके बाद आपको कॉलम वैल्यू पास ऑन करनी होगी। ओके, जैसे ये हमारी यहाँ पे टेबल है जिसमें सबसे पहला जो हमारा कॉलम नेम है वो कॉलम आईडी, दूसरा टाइटल और तीसरा डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको मान लीजिए कोई भी डेटा इंसर्ट करना है तो आपको मैप के फॉर्मेट में पास ऑन करना होगा। और उसके बाद अगर आपको डेटाबेस से डेटा गेट करना है तो आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे मैप्स मिलेंगे और ये एक मैप एक इंडिविजुअल रो को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देन उसके बाद अगर आपको डेटाबेस अपडेट करना है तो अपडेट करने का मतलब है पहले से ही एंट्री एग्जिस्ट करती है, तो आपको अपडेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पास ऑन करनी होगी वो पास करनी होगी कॉलम आईडी, क्योंकि अपडेट तो आप ये दोनों चीजें करोगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन, कॉलम आईडी वही सेम रहेगी। ओके, और उसके बाद लास्ट अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ये नीचे वाले पार्ट कुछ नहीं चाहिए, सिंपली आप कॉलम आईडी बता दो वो वहां से वो चीज डिलीट कर देगा। जैसे मान लीजिए आपको ये थर्ड वाली रो डिलीट करनी है तो सिंपली आपको ये वैल्यू देनी होगी हमारे डिलीट फंक्शन को और वो यहाँ से ये वाली रो डिलीट कर देगा। अगर आपको अपडेट करनी है तो सिंपली आपको सबसे पहले तो आईडी देनी पड़ेगी, देन ये दोनों अपडेटेड वैल्यूज देनी पड़ेंगी, तो ये डेटाबेस में जाके इस एंट्री को अपडेट कर देगा। तो अब चलते हैं स्लाइड 5 में और देखते हैं हम कैसे क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड 5 में। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमें सारे टू डूज अपने गेट करने हैं तो वो हम कैसे गेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने क्वेरी ऑल नाम का फंक्शन बनाया है और यहाँ पे आपको असिंक और अवेट कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे क्योंकि इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने में कुछ टाइम लग सकता है। सबसे पहला काम करना है आपको यहाँ पे वेरिएबल बनाना है और वेरिएबल किसके इक्वल आपको बनाना है, देखिए इंस्टेंस डॉट डेटाबेस। अब यहाँ पे इंस्टेंस क्या है, देखिए वही जो हमने टॉप पे इस क्लास को सिंगलटन बनाया था वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और उसके बाद डॉट डेटाबेस क्या था, जो हमने गेट डेटाबेस फंक्शन बनाया था आप उसको कॉल कर रहे हो। यहाँ से दो सिनेरियो होंगे, अगर आपका डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता है तो सिंपली रिटर्न हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो पहले वो पूरा डेटाबेस और टेबल क्रिएट करेगा देन यहाँ से रिटर्न कर देना, और उसके बाद इस वेरिएबल के अंदर आपका डेटाबेस स्टोर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको टाइप करना है जो आपने वेरिएबल बनाया ऊपर डीबी, फिर आप लिखोगे डॉट क्वेरी। अब ये क्या करेगा, जितनी भी हमारे पास रोज पड़ी होंगी इस टेबल नेम के अंदर वो सारी आपको यहाँ से रिटर्न कर देगा, और टेबल नेम के अंदर आप वही पास करोगे जो आपने अपने टेबल का नेम दिया होगा। ओके, तो ये था हमारा अगर आपको सारी के सारे टू डूज अपने डेटाबेस से लेके आना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको अपने डेटाबेस में कुछ नई रो इंसर्ट करनी है तो हमने ये फंक्शन बनाया इंसर्ट, और इसके अंदर आपको वो वैल्यूज पास ऑन करनी है जो आप इंसर्ट करना चाहते हो। अब रो एज ए आपको मैप पास करना है, इसमें क्या होगा, सबसे पहला तो टाइटल और दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन, देन आपको ये लाइन आपको चारों फंक्शंस के अंदर सेम ही डिफाइन करनी है ताकि आपको एक ही इंस्टेंस मिले अपने डेटाबेस का। उसके बाद आप यूज करोगे डीबी डॉट इंसर्ट, अभी हमें प्रोवाइड होता है एसक्यूएल क्लाइंट प्लगइन से। उसके अंदर आपको किसमें इंसर्ट करना है, आपको सबसे पहले तो टेबल नेम पास करना है और टेबल के अंदर क्या रो इंसर्ट करनी है वो आपको यहां से पास ऑन करनी है, तो आपका ये रो टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब चलते हैं स्लाइड 6 में और देखते हैं अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। तो चलते हैं स्लाइड 6 में। अब डिलीट फंक्शन के अंदर आपको अपनी पूरी रो पास करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जिस भी रो को डिलीट करना चाहते हो सिंपली आप उसकी आईडी पास ऑन करिए और वो रो आपकी डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको फिर से वही लिखना है इंस्टेंस डॉट डेटाबेस और उसके बाद आपको लिखना है डीबी डॉट डिलीट। अब यहाँ पे आपको थोड़े से चीजें एडिशनल पास ऑन करनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो टेबल नेम तो पास करने होगा कि किस टेबल से आप वो डिलीट करना चाहते हैं, देन उसके बाद आप कौन सी रो डिलीट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे पास करनी होगी। आप लिखोगे वेयर
उसके बाद दोगे अपनी कॉलम नेम, कॉलम नेम आप क्या दोगे, कॉलम आईडी, क्योंकि यहां से हमने आईडी पास ऑन करी है। अब वो डेटाबेस में जाएगा और देखेगा जो भी आईडी इस आईडी से मैच करती है जो हमने यहाँ पे पास ऑन करी है उसको डिलीट करेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे वेयर आर्ग्यूमेंट्स इक्वल टू आईडी। अभी आईडी वही है जो इस फंक्शन में हम लेके आ रहे हैं, और ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो हमारा वेयर, मतलब ये वो रो ढूंढ के लाएगा, और कौन सी रो डिलीट करनी है वो आपको यहाँ पे पास ऑन करनी है। तो सिंपली जो आप यहाँ पे आईडी दोगे वो इस क्वेश्चन मार्क में पास ऑन हो जाएगा और वो रो हमारी डिलीट हो जाएगी। देन जो हमारा लास्ट है वो है हमारा अपडेट फंक्शन। अब इसके अंदर हम पूरी रो पास करेंगे। अब रो में क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो आईडी जिसको हमें अपडेट करना है, देन उसके बाद टाइटल जो भी आपका अपडेटेड टाइटल होगा, और लास्ट में हमारा डिस्क्रिप्शन। देन ये लाइन तो सबके लिए सेम थी, और इसमें आपको पास करना है डीबी डॉट अपडेट, टेबल नेम तो पास करना है, फिर आपको रो पास करनी है, मतलब जो भी आपकी नई रो है जो आप रिप्लेस करना चाहते हो पुरानी वाली रो से, और ये कमांड आपकी वापस से वही सेम होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे वेयर, फिर कोलन के बाद लिखोगे आप कॉलम आईडी, देन उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी पास ऑन करनी है। लेकिन इस बार जो हमारा फंक्शन है उसमें तो हमने रो एज ए मैप इंपोर्ट कराई है, तो आप रो के अंदर आप जाओगे अपनी की के अंदर जो कि आईडी, इसके अंदर ही हमारी आईडी स्टोर होगी। तो यहाँ पे सिंपली वो वैल्यू आ जाएगी, फिर वो वैल्यू यहाँ पास ऑन हो जाएगी और आपकी जो भी रो होगी वो अपडेट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, अपन चलते हैं वीएस कोड पे और सीधे कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलते हैं वीएस कोड पे, तो इसको करते हैं बैक और यहाँ ओपन करते हैं वीएस कोड। तो चलिए अब समझते हैं हम अपनी डेटाबेस हेल्पर फाइल को। यहाँ पे आपको कुछ पैकेजेस पहले इंपोर्ट कराने होंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इस एप्लीकेशन में हमें कौन कौन से पैकेजेस की नीड होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपने क्लास क्रिएट करना है डेटाबेस हेल्पर नाम से, उसके बाद ये दोनों लाइन्स हैं जो इस क्लास को सिंगलटन क्लास बनाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, सबसे पहला तो हमारे डेटाबेस वेरिएबल, और ये हमें प्रोवाइड होता है डेटाबेस क्लास से जो कि एसक्यूएल लाइट प्लगइन जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये क्लास बिल्ट इन है। उसके बाद हम अपना डीबी नेम बनाएंगे, और यहाँ पे आपको अपना डेटाबेस का नेम देना है, और यहाँ पे एक्सटेंशन भी आपको ऐड करना है डॉट डीबी, ये कंपलसरी है। उसके बाद डेटाबेस वर्जन जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो वो इंटीजर आप पास ऑन कर दोगे। उसके बाद आप पास करोगे अपना टेबल नेम, मतलब जो भी आप अपनी टेबल का नेम देने वाले हो। उसके बाद जो भी उसमें कॉलम्स होने वाले हैं, सबसे पहला तो कॉलम टाइटल, दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन, और तीसरा हमारा कॉलम आईडी, और यहाँ पे आईडी होगी अंडरस्कोर आईडी नाम से। ओके, देन उसके बाद बनाएंगे हम अपना गेट डेटाबेस फंक्शन, जो ये चेक करेगा सबसे पहले अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो सिंपली वो डेटाबेस रिटर्न कर दो, एग्जिस्ट नहीं करता है तो डेटाबेस क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो, देन रिटर्न करो। तो यहाँ पे देखिए हमने इफ कंडीशन में सबसे पहले ये वेरिएबल जो हमने बनाया है डेटाबेस, इसको हम चेक कर रहे हैं, अगर ये इज नॉट इक्वल टू नल है तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये नल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मेक डेटाबेस फंक्शन कॉल करना है, यहाँ से जो भी रिटर्न होगा वो इस डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है और फिर इस डेटाबेस को रिटर्न करना है। तो अब चेकआउट करते हैं इस मेक डेटाबेस फंक्शन को जो हमने नीचे कोड किया। देखिए यहाँ पे आप हर जगह असिंक और अवेट कीवर्ड का ध्यान रखना क्योंकि इस ऑपरेशन में कुछ टाइम लगने वाला है। अब ये मेक डेटाबेस फंक्शन क्या करेगा, देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्टरी लेके आनी है। अब डायरेक्टरी कहाँ से लेके आओगे, जो भी आपका डिवाइस है वहां से आप डायरेक्टरी लेके आओगे। तो आप कॉल करोगे गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, तो ये फंक्शन आपको आपके फोन में एक पाथ लाके देगा जहां पे आप डेटाबेस ओपन करोगे। देन उसके बाद जो आपने यहाँ पे पाथ वेरिएबल बनाया है इसके अंदर आपको ज्वाइन करना है ये जो आप डायरेक्टरी लेके आए हो डॉट पाथ प्लस जो भी डेटाबेस आप वहां पे ओपन करना चाहते हो उसका नेम क्या होने वाला है, जो हमने टॉप पे वेरिएबल कोड किया ये नोटबुक डॉट टीबी। तो ये क्या करेगा, एक आपका वे लेके आएगा आपके डिवाइस के अंदर से, और वहां पे जो भी डेटाबेस आपको क्रिएट करना है उसका नेम से वहां पे डेटाबेस ओपन करने की कोशिश करेगा। देन उसके बाद जो ओपन डेटाबेस फंक्शन होता है इसको आपको नीचे कॉल करना है, यही जाके उस पाथ में हमारा डेटाबेस ओपन करेगा। इसके अंदर आप तीन चीजें पास करोगे, पहला तो आपका पाथ जो आपने ऊपर यहाँ पे क्रिएट किया, देन उसके बाद वर्जन में आप पास करोगे डीबी वर्जन जो आपने टॉप पे वेरिएबल कोड किया, देन उसके बाद ये ऑन क्रिएट करेगा हमारी टेबल क्रिएट, तो इसमें आप पास करोगे अपना एक फंक्शन जो हम नीचे कोड करेंगे क्रिएट डेटाबेस। इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट दो चीजें लेता है, सबसे पहला तो डेटाबेस डीबी जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम देना चाहते हो, देन उसके बाद इंट वर्जन, देन उसके बाद आपने जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज किया उसकी हेल्प से आप लिखोगे डीबी डॉट एग्जीक्यूट। अब ये क्या करेगा, हमारी टेबल क्रिएट करेगा। उसके बाद आपको यूज करने तीन सिंगल कोड्स ताकि आप मल्टी लाइन में अपना कोड लिख पाओ। देन उसके नीचे जो हमने यहाँ पे कोड लिखा वो एकदम सीक्वल की तरह है, आपको यूज करना है क्रिएट टेबल, उसके बाद आप पास करोगे टेबल नेम। अब टेबल के अंदर आपके कौन कौन से कॉलम्स होने वाले हैं, देखिए सबसे पहले कॉलम आईडी, कॉलम टाइटल और कॉलम डिस्क्रिप्शन। अब ये किस टाइप के होने वाले, देखिए कॉलम आईडी होगी हमारी इंटीजर और ये होगी हमारी प्राइमरी की, इसको हमें पास करने की जरूरत नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लेंगे जो हमारा टाइटल है वो टेक्स्ट होने वाला है और नल नहीं होना चाहिए, तो सेम काम हमने किया है डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपकी टेबल क्रिएट करेगा, देन उसके बाद यहाँ से हमारा डेटाबेस रिटर्न होगा। अब इसको किसने कॉल किया था, मेक डेटाबेस फंक्शन है, तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा और ये असाइन हो जाएगा इस डेटाबेस वेरिएबल में, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपना नया डेटाबेस जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो ये हमारा पूरा फ्लो जब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपको ये तीन फंक्शन यहाँ पे कोड करने होंगे। तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं क्रड ऑपरेशंस कैसे करने हैं। देखिए ये रहे हमारे चार क्रड ऑपरेशन।
उसके बाद जो हमारा पहला फंक्शन है, मतलब जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या रो इंसर्ट करनी है वो पास ऑन करनी है, यहाँ पे टेबल नेम और रो। देन उसके बाद आपको अगर सारे टू डूज वापस चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, टेबल नेम पास कर दो तो आपको ये सारी रोज वापस कर देगा। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट में आपको आईडी पास ऑन करनी होती है, मतलब कौन सी रो डिलीट करनी है। देन उसके बाद जो हमारा अपडेट होता है उसके अंदर आपको पूरी रो पास करनी है। अब रो हम क्यों पास करना है, देखिए रो के अंदर हमारी वो आईडी होगी जिस रो को अपडेट करना है, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो भी हमें अपडेट करना है, और सिंपली आपको यहाँ पे वो पास ऑन कर देना। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी होगा लेकिन अगर आप इसे खुद से ट्राई करेंगे और वीडियो एक बार और वॉच करेंगे तो मे बी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चेकआउट करेंगे कि हमें अपनी स्क्रीन में क्या कोड करना है। तब तक के लिए सी फ्रेंड्स।